इरशालगढ़ महाराष्ट्र का बहुत ही खूबसूरत ट्रैक में से एक, सिचुएटेड बिटवीन माथेरान एंड पनवेल। इट स्टैंड टॉल एट 3,700 feet, परफेक्ट ट्रैक फॉर बिगिनर्स। यहाँ पे पूरा गांव हुआ करता था, लैंडस्लाइड से सब खत्म हो गया। एंड वहाँ पे जो रस्सी लैडर्स लगे हैं देवर नॉट क्वाइट ट्रस्टवर्दी। यहाँ से वो माथेरान का पहाड़ है, वो पीछे गारबेट पॉइंट है, वो पीछे भीमाशंकर का रेंज है, वो राजमासी है, ये मानिकगढ़ है, करनाला फोर्ट वहाँ पे दिख रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू यू कैन सी इन द कैमरा। ऊपर जाने का रास्ता ये रिज पे से चढ़ के ऊपर तक। Hello and namaste to everybody. It's 3 a.m. in the morning. I just woke up to get ready for a training hike. We are going somewhere in Karjat. Let's see. Most probably we are going to Irshalgarh because it's been a long time since we have been there. One of my friends was supposed to join but not picking up the phone and was supposed to pick me up in the morning. We all have these friends, right? Who ditch you at the last minute. सुबह सुबह इन रास्तों पे कुत्ते साले बहुत होते हैं। बिल्ली और चूहे तो ठीक है, कुत्ते साले भौंकते और कभी कभी आते भी तुम्हारे ऊपर। क्या देख रहा है बे? माहिम स्टेशन। जैसे दादर से बैठा ऐसी आंख लग गई जैसे शरीर का कोई पता ही नहीं चला है नहीं है, कहाँ पे हो कहाँ नहीं हो। आंख खुला ये भाई सामने बैठा है। पूरी आ गया हमारा। बोल भाई गारबेट चलना है? चल गारबेट, चल गारबेट। ये मेरा घर है, यहीं पे रह के सारी जो भी पहाड़ चढ़ने की तैयारी है वो की है। कल ही वापस यहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ। बहुत गर्मी होती है यहाँ पे तो समर टाइम पे अवॉइड कर रहा था मैं यहाँ पे रहना, लेकिन कल आ रहा हूँ यहाँ पे। आगे के जो भी सह्याद्री के व्लॉग्स हो गए वो मोस्टली भीवपुरी से ही स्टार्ट हो गए मेरे। यहाँ पे जो मेरे करजत वाले व्लॉग्स देखे उनको पता है रिचुअल है यहाँ पे पोहा खाने का। काका तीन पोहे खाई से आप? तो भाई लोग चीयर्स चीयर्स। ट्रैक के पहले बेस्ट नाश्ता पोहा। यार साला यहाँ पे इतना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है लेकिन अभी तो धूप निकली एकदम जोरदार यार। बैंड बैंड बजने वाली धूप निकली है लेकिन क्या मस्त दिख रहा है ये देखो। ये दिख रहा है सामने इरशालगढ़, बस वहां पे ऊपर हो गए 2 घंटे में। यहाँ से उतर गए हम लोग, ट्रैक शुरू करेंगे यहाँ से एंड दैट इज़ द डेस्टिनेशन वहाँ पे ऊपर। सो लास्ट ईयर बारिश के टाइम पे देयर वाज अ ह्यूज रॉक स्लाइड लैंडस्लाइड एंड यहाँ पे ऊपर एक गांव है, पूरा पत्थर उसके ऊपर गिरा एंड ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इन द विलेज डाइड दैट नाइट। इट वाज रात का टाइम था और सो रहे थे सब लोग, बहुत बारिश गिर रही थी। आई थिंक अगस्त का टाइम था। सडनली द माउंटेन फेल ऑन द विलेज एंड क्रश्ड द एंटायर विलेज। वाज अ टेरिबल ट्रेजेडी। सिंस देन द ट्रैक हैज बीन क्लोज्ड बट आई थिंक अब शुरू हुआ वापस। उसके बाद ट्रेल के शुरुआत में ही रास्ता नहीं मिल रहा है, बताओ। दो प्रोफेशनल ट्रैक लीडर्स, वो साला रिक्शा वाले ने वहाँ से ही रास्ता था, वो बोलता इधर से रास्ता है। प्रॉब्लम एक ही है बस, धूप बढ़ जाती है यार। अभी ना महाराष्ट्र में जितना जल्दी ट्रैक स्टार्ट करो उतना अच्छा है एंड बारिश का तो नामो निशान नहीं है। रास्ते पे ही चल रहे और 10 मिनट रास्ते पे चलना होगा, फालतू में 20 मिनट का टाइम बढ़ गया है यार उस रिक्शा वाले की वजह से।
उधर से अभी ट्रेल दिख रहा है फाइनली, चढ़ने का रास्ता छूटेगा इधर। 8 बजे सुबह एंड ऑलरेडी इतनी गर्मी यार, एंड बारिश का तो नामो निशान नहीं। बारिश मतलब आज की बारिश का नहीं, मानसून सीजन इन जनरल हैज नॉट कम येट, इट्स ऑलमोस्ट जुलाई। एंड हर साल बोलते हैं कि नेक्स्ट ईयर अच्छा होगा बारिश, लेकिन हो ही नहीं रही 3-4 साल से अच्छी बारिश। हमारे देश में 80% पानी का सोर्स रेन है, सो ये ना हो ठीक से इट्स अ बिग प्रॉब्लम। एंड हमारा ट्रैकिंग का धंधा भी बारिश पे चलता है यार। क्या बोला तू? ठंड लग रही है, इसके लिए डाउन सूट लेके आते हैं। I think यही डिस्कशन एक साल पहले हम कर रहे थे मानिकगढ़ पे, एग्जैक्ट एक साल पहले सेम डिस्कशन। मेरा यही जोक था, तेरा यही रिएक्शन था। थिंग्स डोंट चेंज मच है एक साल में। क्या क्या उखाड़ा एक साल में भाई? भाई पशला में बहुत कुछ उखाड़ा है या वो ट्रैक का व्लॉग जाके देखो, मानिकगढ़ वाला कमाल का व्लॉग है वो। जिन्होंने देखा उनको याद रह गया होगा। अभी ये पहाड़ चढ़ने का है देखो, फिर फ्लैट चल के उधर जाएंगे। चलो चढ़ाई शुरू की जाए, पता करते लोग ना पहाड़ों में आते हैं। एंड स्टार्टिंग में मतलब ये जो पार्टिसिपेंट्स को लेके आता हूँ बहुत बार दिखता हूँ मैं, दे गेट वेरी एक्साइटेड इन द बिगनिंग एंड 10 मिनट में थक जाते हैं लोग। लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पे कम्पीट करने कौन आता है। सो अगर कोई नए चालू कर रहे हो ट्रैकिंग, आओ यार धीरे धीरे चलो, भाग के किसको दिखाना है। ऐसे कोई लड़की इम्प्रेस नहीं होती, और ऐसे अगर कोई इम्प्रेस हो भी गई ना तो वो रखने जैसी नहीं होती। काफ़ी अच्छा लग रहा है बहुत टाइम के बाद सह्याद्री में ट्रैक करके, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। गर्मी के टाइम पे ज़्यादा ट्रैक नहीं होता है, करते नहीं है, हिमालयाज निकल जाते। सोचा बारिश एंजॉय करेंगे, बट घंटा बारिश, धूप तो समर से भी ख़राब है आज। यहाँ से वो माथेरान का पहाड़ है, वो पीछे गारबेट पॉइंट है, यू कैन सी सो मैनी माउंटेंस फ्रॉम हियर। वो पीछे भीमाशंकर का रेंज है, वो राजमासी है, ये मानिकगढ़ है। एंड कितना सेटलमेंट नीचे बढ़ गया यार। एंड ये मोरबे डैम जहाँ पे नवी मुंबई का पानी, एंड यस करनाला फोर्ट वहाँ पे दिख रहा है। ये जो नीचे घर दिख रहे हैं ना, वो ऊपर जो गांव में एक्सीडेंट हुआ था, द सर्वाइवर्स वहाँ पे उनको घर दिया था। अब आई डोंट नो वहाँ पे रह रहे कि ऊपर शिफ्ट हो गए, कोई आइडिया नहीं, जाके देखते। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है, मेहनत कर रहा हूँ, देखो दूर खड़े खड़े भी आवाज़ आ रहा है, माइक है, अभी खर्चा किया है, आईफोन में देख रहे हो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। थोड़ा तो रीच एकदम कम हो गया है, कहाँ चले गए सब आप लोग। थोड़ा लाइक करो, एंगेजमेंट बढ़ाओ, भाई को थोड़ा आगे लाओ, मेहनत कर रहा हूँ यार, है ना। आप लोग सिर्फ देख के निकल जाते हो, लाइक करने में कमेंट करने में क्या जाता है। नहीं बट बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आई थिंक अगर स्कूल में पेरेंट्स ने जबरदस्ती फोर्सफुली बच्चे को स्पोर्ट्स में डाला तो कहीं ना कहीं दैट हेल्प्स। इफ यू ग्रो अप प्लेइंग सम स्पोर्ट, बॉडी का फाउंडेशन फॉर्म हो रहा है तभी। अगर आलसी हो बैठे हो तो फाउंडेशन आलसी हो वाला बिल्ड होगा, अगर खेलते खेलते बड़े हुए हो तो फाउंडेशन वैसा होगा। एंड मैं मेरी बात सच बोलूं, मैं किसको क्या बोलूं, आई ग्रू अप लाइक अ कम्प्लीट लेजी पर्सन, मेरा फाउंडेशन वैसा था। अभी पहाड़ चढ़ने के लिए वो फाउंडेशन को तोड़ना पड़ा और वापस बिल्ड करना पड़ा सिंपली हार्डवर्क के साथ। सो इफ यू आर यंग, गो आउट एंड प्ले समथिंग यार, खेलो कूदो मस्ती करो। कहा That is Hirshalgarh, and you can see the landslide that happened on the village. ये पूरा पहाड़ नीचे गांव है यहाँ पे, उसके ऊपर ये पूरा पहाड़ आके गिरा। ये शायद जब भी एक्सीडेंट हुआ था तभी ये बैरिकेड लगाया होगा। ये ऊपर जाने का रास्ता ये रिज पे से चढ़ के ऊपर तक। पूरा गांव था ना इधर, शिट मैन। ओ बाप रे,
यहाँ पे पूरा गांव हुआ करता था, लैंडस्लाइड से सब खत्म हो गया। वेरी सैड, वेरी वेरी सैड टू सी दिस। आई मीन इमेजिन यू आर स्लीपिंग इन योर होम एंड द होम विच इज सपोज टू कीप यू सेफ, राइट, एंड दैट बिकम्स योर फाइनल ग्रेव। अब हवा चल रही है, अब फाइनली थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, जो ट्रैक का एक फ्रेशनेस फील होना चाहिए वो अभी हो रहा है। या मजा आ गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू यू कैन सी इन द कैमरा। या जैसे रंजीत भाई ने बोला, ऐसी हवा चाहिए, ऐसा व्यू चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। सपना देखने के लिए क्या है, सब देखते हैं। हकीकत करने की ताकत बहुत कम लोगों के पैरों में होती है। रंजीत के पैरों में देखो। वीकेंड पे यहीं पे आओ, पागल जैसी भीड़ होगी। वहां ऊपर जाते हैं क्या लोग? नहीं जाना है ना? नहीं जाना है, ठीक है। यहां से थोड़ा एक्चुअल आइडिया आ रहा है कि वो लैंडस्लाइड हुआ कहाँ था और गांव पे आके कैसे गिरा होगा। थोड़ा एक ऊपर व्यू पॉइंट है, वहां पे चल के बैठते, हवा की आनंद लेते हैं और फिर उतरना शुरू करेंगे। मज़ा आ गया। इट वॉज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ट्रैक, वेरी हॉट इन द बिगिनिंग, बट अब ऊपर आके एवरीथिंग फील्स वर्थ इट एंड दैट्स लाइफ। यहाँ से जाना है, नॉर्मल। वो ब्रह्मगिरी, क्या नाम उसका, मोरगिरी, क्यों ब्रह्मगिरी क्यों दिमाग में बैठ गया पता नहीं। भाई साहब से ऊपर जाना है, स्लिपरी है भाई। इस पे ज्यादा भरोसा करने जैसा नहीं है। ये आई थिंक पहुंच गए हम लोग नीडल पॉइंट विशालगढ़ के। क्या बात है, कहाँ जा रहा है रंजीत भाई? लेके जा रहे हैं अपनी कोई मनपसंद जगह पे।
वाह। सो अभी उतरना शुरू कर दिया हमने, वो डिफिकल्ट वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया एंड या इट वाज क्वाइट हार्ड एक्चुअली टू कम डाउन। स्लिपरी था काफ़ी एंड स्टीप था एंड वहाँ पे जो रस्सी लैडर्स लगे दे वर नॉट क्वाइट ट्रस्टवर्दी। अभी जा रहे नीचे हम लोग एंड वी सॉ 2-3 पीपल हियर हु वर लॉस्ट, है ना, तो अच्छा हुआ हमने देख लिया उनको, वी वर एबल टू टेल देम व्हाट इज़ द राइट वे। पहले वहाँ बैठे थे, क्या कलर्स आ रहे हैं ना यार इसमें आज, ग्रीन और ब्लू और जून में सितंबर आ गया, हम लोग बारिश में सो लिए शायद। भूख लगा है भाई, और मेरे को गन्ने का जूस पीने का है, कम से कम 3 ग्लास तो पीऊंगा बर्फ डाल के। अखंड भारत बनाया कि गन्ने का जूस पी के। अभी वही रिक्शा वाले को बुलाया है तो उसको आने में टाइम लगेगा थोड़ी देर। यहाँ पे मस्त छांव में हवा, ये आखिरी का स्लोप बचा है वहाँ पे गांव है। रिक्शा वाले को बुलाया तो है गांव में अंदर आने को, लेकिन क्या बोलने का बाबा, खुद की गाड़ी लेके आने का साला, अभी किसी के बाप पे भरोसे भी नहीं बैठने का। 12:45 काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया एक्चुअली, हम लोग ऊपर 1 घंटा बैठे थे एंड वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग गया। चलो जी पहुँच गए हम लोग, वो फाइनली वो शुभ घड़ी आ ही गई जब हम गन्ने का जूस पी रहे हैं, सो वेट कर रहे हैं। जल्दी बना हुआ है अब रहा नहीं जाता। चलो भाई चीयर्स करे भी ना मत पी। ठीक है जी, ऑलमोस्ट स्टेशन पहुंच गए, अब जो दिखाना था देख लिया आपने, सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये देखने में अच्छा लगा हो, नहीं लगा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लगा है तो बहुत बढ़िया है। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, वेरेवर यू आर, व्हेनेवर यू आर वॉचिंग दिस। अगर 100 साल बाद भी देख रहे हो, मैं हूँ नहीं बट मेरा सलाम। ठीक है, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।